सो फ्रेंड्स, आपने एग्जामिनेशन एंजाइटी के बारे में तो जरूर सुना ही होगा। ये एक तरह का ऐसा डर है या घबराहट है एग्जाम के प्रति, जिसके कारण से हम अच्छी तैयारी के बावजूद भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम इसको बड़े सिंपल तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इस डर को, इस एंजाइटी को, इस घबराहट को दूर कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताने जा रहा हूँ, साइकोलॉजिकल टेक्निक, जिसे हम साइकोलॉजी की भाषा में सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। लेकिन उसके नाम को छोड़ दें, हम आगे देखें कैसे ये काम करता है और कैसे इसका यूज करके हम एंजाइटी या घबराहट से बच सकते हैं और अपना एग्जाम या इंटरव्यू बेहतर कर सकते हैं। हाउ टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन यूजिंग सिंपल साइकोलॉजिकल टेक्निक। इसके लिए इसमें दो पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में क्या करना है कि प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ इवेंट्स। इसमें आपको ये करना है कि कोई एग्जाम या इंटरव्यू जो आपका होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए उससे रिलेटेड ऐसे 10 इवेंट्स को लिखना है। ठीक है, जैसे पहले नंबर पे आप रख सकते हैं टुमारो इज माय एग्जामिनेशन, दूसरे नंबर पे आप रख सकते हैं टुडे इज माय एग्जामिनेशन, तीसरे नंबर पे रख सकते हैं आई एम गेटिंग रेडी फॉर एग्जामिनेशन, मतलब हम धीरे धीरे एग्जाम के नजदीक जा रहे हैं। चौथे नंबर पे आई एम ऑन द वे, और नजदीक चले गए। पांचवे पे आई रीच्ड एग्जाम वेन्यू, उससे नजदीक चले गए। आई एम एंटरिंग इनटू एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच ही गए हैं। सातवें नंबर पे आई हैव टेकन माय सीट। आठवें नंबर पे क्वेश्चन पेपर्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, आई हैव फिल्ड इन ऑल फॉर्मेलिटीज, एंड 10 आई हैव स्टार्टेड टू आंसर द क्वेश्चंस, मतलब कि आपने बिल्कुल एग्जाम लेना स्टार्ट कर दिया है। अब इसमें देखेंगे कि जैसे, क्योंकि ये एग्जाम के धीरे धीरे नजदीक जा रही है सारी घटनाएं, तो आप में जो घबराहट पैदा होगी वो भी बढ़ते क्रम में होगी, इससे कम होगी, इससे उससे ज्यादा होगी, तीसरे नंबर पे उससे भी ज्यादा होगी, और इसी तरह से 10 नंबर पर सबसे ज्यादा होगी। सारी इवेंट्स को नोट कर डालने के बाद एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन है इस टेक्निक का, वो स्टार्ट होता है। वो क्या है, रिलैक्स इमेजिन, रिलैक्स इमेजिन, रिलैक्स एंड सो, मतलब ये चलता रहेगा। कैसे करना है इसको, तो पहले आपको बिल्कुल लेट जाना है, बिल्कुल रिलैक्स के पोज में, और आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करनी है आपको, गहरी लंबी सांसें लेनी है, छोड़नी है 5 मिनट तक। जब आपको बिल्कुल रिलैक्स महसूस होने लगे तो आपको पहली घटना को इमेजिन करना है कि कल मेरा एग्जाम होने वाला है, बिल्कुल विजुलाइज करना है कि कल मेरा एग्जाम होने वाला है, कल मेरा एग्जाम होने वाला है। तो और आपको ऑब्जर्व करना है कि जैसे ही आपके शरीर में कोई अननेसेसरी चेंजेस होते हैं, आपको टेंशन होता है, घबराहट होती है, तो आपको वहीं छोड़ देना है और वापस आपको रिलैक्स करने लगना है। ठीक है, रिलैक्स करने लगना है। अब जैसे रिलैक्स करने लगेंगे, कुछ समय तक रिलैक्स करेंगे, 2-3-4 मिनट तक, फिर जब आप रिलैक्स कर लेंगे, उसके बाद रिलैक्स महसूस करने लगेंगे, उसके बाद फिर आपको इमेजिन करनी है। इमेजिन क्या करनी है, पहली वही घटना को इमेजिन करनी है जिसे आपने छोड़ा था। अब जब फिर इमेजिन करेंगे और फिर देखेंगे, अगर फिर एंजाइटी हो रही, फिर उसी तरह के बॉडी में फील कर रहे हैं आप टेंशन, तो फिर आपको फिर छोड़ देना है उसको, फिर इमेजिन करना है, सॉरी फिर रिलैक्स करना है। फिर रिलैक्स करने के बाद फिर आपको इमेजिन करनी है। तो इसी तरह से आपको इसी घटना को तब तक इमेजिन करना है, रिलैक्स करना है, फिर इमेजिन करना है, रिलैक्स करना, जब तक कि इसको आप रिलैक्स के पोज में इमेजिन करना न स्टार्ट कर दें। अगर आप इसको रिलैक्स के पोज में इमेजिन करने में सक्षम हो गए हैं, तभी आपको दूसरी घटना पे जाना है और उसको इमेजिन करना है। अगर नहीं हुए हैं तो इसी पे रिलैक्स इमेजिन, रिलैक्स इमेजिन, रिलैक्स इमेजिन करते रहना है। दूसरी घटना पे उसी तरह करनी है आपको, इसको इमेजिन करनी है, टेंशन महसूस हो, एंजाइटी महसूस हो, रिलैक्स करना है, फिर इमेजिन करना है, फिर रिलैक्स करना है।
जब आप बिना एंजाइटी के बिल्कुल रिलैक्स पोज में दूसरी घटना को इमेजिन कर लें, फिर आपको तीसरी घटना पे जाना है और उसी तरह से करना है। पहले इमेजिन करना है, अगर आपको एंजाइटी फील हो रिलैक्स करनी है, छोड़ देनी है, फिर रिलैक्स करने के बाद फिर इमेजिन करनी है, फिर एंजाइटी महसूस हो फिर छोड़ देनी है, रिलैक्स करनी है। और जब एंजाइटी महसूस नहीं हो सक्सेसफुली आप रिलैक्स रहते हुए इस घटना को जब इमेजिन कर लें तो आगे बढ़ें। इस तरह करते करते आपको दसवें नंबर की घटना में पहुंचनी है और इसको इमेजिन करनी है। जब इन सारी घटनाओं को आप इमेजिन कर लेंगे रिलैक्स पोज में रहते हुए, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपने एग्जाम का जो माहौल है, जो सिचुएशन है, जो डर का माहौल था एक्चुअली आपके लिए, उसको आपने बिल्कुल रिलैक्स के पोज में रहते हुए फेस करना सीख लिया है। ठीक है, तो चूंकि आपने उस डर के माहौल को रिलैक्स के पोज में रहते हुए फेस करना सीख लिया है, तो आप जब रियली में जब उस सिचुएशन को उस सिचुएशन के आगे जाएंगे, एग्जाम सेंटर में जाएंगे, आप एग्जाम लिखेंगे, तो आपको कोई भी एंजाइटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको रिलैक्स के पोज में फेस कर लिया है और आपका एक परफॉर्मेंस बिल्कुल ही बेहतर होगा। तो आप इसको करें। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये सारी जो एक्टिविटी है वो हो सकता है एक दिन में, एक सिटिंग में पूरा न कर पाए आप, क्योंकि इसमें समय लगेगा। हो सकता है एक दिन में एक ही घटना को आप सक्सेसफुली इमेजिन करना कर लें, और हो सकता है दूसरी घटना भी कर लें, हो सकता है तीसरी भी कर लें, या हो सकता है एक ही कर पाए। तो इसमें समय लगेगा और हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 17 दिन भी लग सकता है। तो आप इसको करें ट्राई और देखें क्या होता है एग्जाम में, अच्छा होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बताएं और हमारे चैनल सिंप्लीफाइंग साइकोलॉजी को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।